नमस्ते, मैं डॉक्टर दीपा राव। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के बारे में। देखिए उसका रीजंस क्या क्या हो सकता है एंड उसके लिए हम घर में क्या क्या कर सकते हैं, मेडिकेशंस उसके बारे में है। बहुत लोगों को, 60 to 70% लोगों को ये कब्ज की तकलीफ़ है। मेन रीजंस देखिए, हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, रात को देर से सोना एंड मॉर्निंग लेट उठना, ये फर्स्ट रीज़न है। नेक्स्ट देखिए, चाय का एंड कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन करना, वो कुछ भी हो सकता है, ग्रीन टी हो सकता है, अदरक वाली चाय हो सकता है, नॉर्मल चाय कॉफ़ी का अधिक सेवन करना एक रीज़न है। बाकी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऐसा कुछ भी तकलीफ़ है वो एक रीज़न है। जनरली प्रेग्नेंट लेडीज़ में एक तकलीफ़ रहता है, बाकी थायराइड के पेशेंट्स में भी रहता है कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम। बाकी कुछ भी और मेडिकेशंस ले रहे हैं उनका कुछ साइड इफेक्ट है, ऐसा भी किसी लोगों को हो सकता है। बाकी आपका देखिए, जंक फूड ज़्यादा है, मीन्स बर्गर, पिज़्ज़ा, मैदे का कुछ भी चीज़ ये सब ज़्यादा है, उन लोगों को भी रहता है। एसिडिक फूड ज़्यादा है, इसके बारे में पहले भी वीडियो में बताई हूँ। मीन्स कच्चा नहीं, हम एक बार उसको गर्म करके, कुछ भी सब्जियाँ है कुछ भी है बना के खाते हैं, उसको एसिडिक बोलते हैं। कच्चा खाने के लिए देखिए, सलाड्स है, फ्रूट्स है, ये सब एल्केलिक फूड में आता है। सो एसिडिक फूड कोई भी ज़्यादा सेवन करते हैं, बिल्कुल एल्केलिक फूड कुछ नहीं रहता है, उन लोग के लिए भी ये तकलीफ हो सकता है। ब्रेड, पाव, टोस्ट, ये सब ज़्यादा कौन खाते हैं, उन लोग को रवा वगैरह है, ये सब बहुत तकलीफ़ देता है। बाकी देखिए, अभी रेड राइस खाते हैं, आपको रेड राइस खाने के लिए शुरू करना चाहिए। बाकी ड्राई फूड अवॉइड कीजिए, मीन्स अभी आप राइस ही खा रहे हैं, उसमें एकदम सिर्फ राइस ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके साथ दाल या दही ऐसा रहना चाहिए, लिक्विड फॉर्म भी उसके साथ रहना चाहिए। बाकी इंडियन टॉयलेट यूज़ करना अच्छा है, क्योंकि आपके घुटने के लिए भी वही ताकत देता है। और नाइट शिफ्ट वाले बहुत पेशेंट्स हैं, नाइट शिफ्ट में है, उन लोग को भी ये कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ़ है। अभी देखिए, उसके लिए मेनली गैस बनता है पेट में एंड फिर हेडेक होता है। बहुत लोगों को हेडेक हो रहा है मगर रीज़न पता नहीं चल रहा है, कॉन्स्टिपेशन के वजह से भी हेडेक होता है। देखिए बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन, सीवियर तकलीफ़ है, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप नॉर्मल होम रेमेडीज़ करके आपको क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, मॉर्निंग आपको जल्दी उठना है, गर्म पानी, हल्का लूक वार्म वाटर पीना है। आपको फ्रूट्स में देखिए हेल्पफुल है पपाया, पाइनएप्पल, केला है, बाकी सीजनल फ्रूट्स कौन सा भी है, पानी ज़्यादा रहता है वो फ्रूट्स अच्छा रहेगा, वो उसका डेली सेवन करना चाहिए। बटर मिल्क डेली सेवन करना चाहिए, मिल्क एंड बटर मिल्क, ऐसा मिल्क प्रोडक्ट्स का कुछ भी तकलीफ़ नहीं है, मतलब आप ले सकते हैं। रात में आपको गर्म दूध में घी डाल के वो भी ले सकते हैं। बाकी देखिए, छोटे बच्चों में, बहुत बच्चे में तकलीफ़ है कॉन्स्टिपेशन का, बहुत रोते हैं बच्चे टॉयलेट जाने के लिए भी, ये हो सकता है उन लोगों में पानी का कमी है। पानी आपको अच्छे से पिलाना चाहिए, वो जूस के फॉर्म में हो, नॉर्मली घर में बनाया हो कुछ भी जूस चलेगा। बाकी देखिए, आपको छोटे बच्चों के लिए ये हमारा मनोका बोलता है, ड्राई ग्रेप्स एंड डेट्स, ये ड्राई ग्रेप्स ज़्यादा, 20-30 ड्राई ग्रेप्स हाथ में मुट्ठी लेके आपको पानी में रात को भिगोना है, उसमें 2-3 डेट्स भी डाल सकते हैं। मॉर्निंग उठ के उसको एक तो आप पेस्ट जैसा बना के दे सकते हैं, कैसे भी आप ये देंगे, मतलब उन लोग का ये कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ कम हो जाता है। पानी का क्वांटिटी भी बढ़ा दीजिए। बाकी देखिए, एक निवाला आप खाना मुंह में रखेंगे, उसको अच्छे से चबाना है, मैं तो ये बोल रही हूँ आपको, 32 टाइम्स चबाना है, क्योंकि जनरली हम टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, कुछ भी देख के हम खाना खाएंगे, ये होता है कि हम क्या खा रहे हैं ये तक हमें पता नहीं चलता है। सो ये सब थोड़ा आपको अवॉइड करना है, कॉन्सेंट्रेट करके फूड में क्या खा रहे हैं उतना कॉन्सेंट्रेट करके आपको खाना चाहिए। बाकी फाइबर रिच फूड आपको लेना चाहिए, ओट्स अच्छा है, नाचनी अच्छा है, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, उसको रोस्ट करके, फ्राई करके, पाउडर करके ले सकते हैं आप। बाकी आपको डेली देखिए, चेयर में आप ऑफिस में काम करने के टाइम पे कंटिन्यूस नहीं बैठना है, 25 to 30 मिनट्स बैठेंगे, एक एक बार उठ के आपको स्ट्रेचिंग करना चाहिए पूरा बॉडी। एंड ये हमारा सूर्य नमस्कार बहुत इफेक्टिव है, आप डेली, बैकएक वगैरह कुछ भी नहीं है, डेली बेसिस में आप मॉर्निंग उठ के आप करके देख लीजिए, आपका गैस का प्रॉब्लम्स है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम्स है, ये सब दूर हो जाता है उससे। बाकी आपको भी कोई कोई बोलते हैं सलाड सूट नहीं हो रहा है, कच्चा
हमारा कुकुम्बर है, ये सब गाजर है, ये सब खाने से तकलीफ़ हो रहा है करके, उन लोग के लिए देखिए एक छोटा सा सलाह है, आप अच्छे से उसको ग्रेट करके फिर खा के देखिए, सूट हो सकता है, किसी किसी को बिल्कुल सूट नहीं होता है, स्प्राउट्स है उसका सेवन करना चाहिए। हमारा मूंग मटकी है, उसमें थोड़ा गाजर बीटरूट वगैरह डाल के अच्छे से, धनिया पत्ता वगैरह डाल के वो ले सकते हैं आप। बाकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अच्छे से लेना चाहिए, गवार लेना चाहिए, हमारा लौकी लेना चाहिए, बीन्स लेना चाहिए, ये सब अच्छे से खाने में आना चाहिए। थैंक यू।